नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पृथ्वी आर्किटेक्चर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निकालेंगे दो शॉप का एस्टीमेट, यानी 10 बाय 10 फीट की दो शॉप बनाने में आपको कितना खर्च आएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं, हम इस चैनल पर बिल्डिंग से जुड़ी इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग ड्राइंग, बिल्डिंग एस्टीमेट, सभी चीजें आपको आसान भाषा में प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो प्लीज अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं दोस्तों आज का हमारा एस्टीमेट। दोस्तों, काफी लोगों के पास 100-200 स्क्वायर फीट की जगह होती है और चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इस जगह का यूज किया जाए, तो मैंने आज इसी को ध्यान में रखते हुए यह एस्टीमेट डिजाइन किया है दोस्तों, ताकि आपके भी पास अगर कोई जमीन हो 100-200 स्क्वायर फीट की तो आप उसका सही उपयोग कर सके। तो इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देख लेंगे दोस्तों हम, कि इसको बनाने में कंप्लीट खर्च कितना आएगा। वैसे मैं बता दूं, जो शॉप का इनर साइज है वो करीब 10 बाय 10 फीट का है। अगर इसका टोटल एरिया देखें दोस्तों दोनों शॉप का, तो ये टोटल एरिया करीब 250 स्क्वायर फीट का आता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों एक्सकेवेशन से। एक्सकेवेशन का मतलब होता है खुदाई, जो कि हम फुटिंग के लिए करते हैं, जैसा कि आप इमेजेस में देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे कि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो कॉलम लिए हैं, टोटल 6 कॉलम है दोस्तों। यहाँ पे जो हम गड्ढे का साइज रख रहे हैं वो 4x4x5 फीट, यानी 4 फीट लंबाई, 4 फीट चौड़ाई और 5 फीट हाइट इसकी। तो इसका जो कंप्लीट क्वांटिटी आएगा वो है 500 क्यूबिक फीट। अगर आप छोटी सिटी से हैं तो वहाँ पर रेट 6 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से पड़ेगा विथ लेबर कॉस्ट, और अमाउंट जाएगा इसका 3000 रुपये। वही अगर आप किसी बड़ी सिटी से हैं तो वहाँ पे रेट 10 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से पड़ेगा, और टोटल अमाउंट आएगा वहाँ पे 5000 रुपये। यहाँ पर मैं बता दूँ दोस्तों, ये क्वांटिटी है, मतलब कितना क्वांटिटी लग रहा है, ये है यहाँ पे रेट और ये है अमाउंट। ये जो रेट है छोटी सिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया मैंने, और ये जो रेट है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो रेट है वो बड़ी सिटी के हिसाब से डिज़ाइन किया है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों फिलिंग। फिलिंग यानी कि होता है फाउंडेशन में जो हम फिल करते हैं मुरम के द्वारा। कभी भी ध्यान में रखिए दोस्तों, काली मिट्टी के द्वारा कभी भी फिलिंग नहीं करना है, मतलब जो भराई करते हैं आप हमेशा मुरम के द्वारा कीजिए। तो यहाँ पे हमने प्लिंथाइट थोड़ा ज़्यादा रखी है, यानी 3 फीट की आपकी प्लिंथाइट आएंगी। प्लिंथाइट का मतलब होता है फाउंडेशन लेवल। तो यहाँ पे कंप्लीट आपको 600 क्यूबिक फीट का भराई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम रेट की बात करें तो अगर छोटे शहर से हो तो आपको 10 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट पड़ेगा, और यहाँ पे जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा टोटल 6000। यहाँ पे जो फिलिंग का रेट है दोस्तों उसमें लेबर कॉस्ट इंक्लूड है, और अगर आप बड़ी सिटी से हैं तो वहाँ पे 30 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट पड़ेगा और अमाउंट आएगा 18000 रुपये। इसके बाद हम बात करेंगे सीमेंट की। तो सीमेंट की कितनी बैग लग सकती है दोस्तों, यहाँ पे जो आपको सीमेंट की बैग लगेंगी करीब 100 बैग सीमेंट की लगेंगी दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें इसके रेट की तो 350 रुपये पर बैग के हिसाब से रेट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे रेट को लेकर मैं बता दूँ सीमेंट के, तो सीमेंट अगर आपके एरिया में करीब 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहा होगा तो वहाँ पे सीमेंट का रेट बढ़ेगा। साथ ही साथ कुछ स्टेट भी ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सीमेंट का रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो आपका अमाउंट आएगा 35000 रुपये। वही अगर छोटी सिटी या बड़ी सिटी में सीमेंट को देखें तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता दोस्तों, तो यहाँ पे भी आपको 35000 रुपये का अमाउंट आएगा। इसके बाद हम देखेंगे स्टील। स्टील मतलब लोहा यानी सरिया, जो कि हम कॉलम, स्लैब, बीम, फुटिंग में प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 800 किलो लोहा लगेगा दोस्तों आपको, यानी करीब 8 क्विंटल। तो उसका जो अमाउंट आएगा 36000, सेम एज इट इज इधर भी 36000 आएगा। जहाँ तक रेट की बात करूँ तो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसका रेट आएगा दोस्तों। अगर सैंड की बात करें हम, तो सैंड की जो क्वांटिटी आ रही है 400 क्यूबिक फीट। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपकी सैंड थोड़ी वेस्ट हो रही हो तो क्वांटिटी बढ़ेंगी। यहाँ पे जो उसका रेट है, छोटे शहर से हो या कहीं आपके एरिया में सैंड अवेलेबल है तो वहाँ पे 35 रुपीज पर क्यूबिक फीट तक सैंड पड़ती है। वही अगर आप बड़ी सिटी से हैं तो वहाँ पे 55 रुपीज पर क्यूबिक फीट की सैंड मिलती है। तो यहाँ पे छोटे शहर में आपको इसका अमाउंट आएगा 14000 रुपये, बड़ी सिटीज में आपको इसका अमाउंट आएगा 22000 रुपये। वही हम बात करें एग्रीगेट की। एग्रीगेट का मतलब होता है गिट्टी, जिसकी क्वांटिटी आ रही है 300 क्यूबिक फीट, और 300 क्यूबिक फीट मतलब 3 ब्रास, मतलब 3 ट्रैक्टर। वही अगर इसका रेट देखें तो 25 रुपये क्यूबिक फीट से 35 रुपये क्यूबिक फीट तक इसका रेट होता है।
छोटे शहर से हो तो इसका अमाउंट करीबन 7,500 तक आएगा आपको, और बड़े शहर से हो तो इसका अमाउंट करीबन 10,500 तक आएगा दोस्तों। वही अगर हम बात करें रेड ब्रिक्स की, तो यहाँ पे जो हमने वॉल प्रोवाइड की है दोस्तों, करीब सभी वॉल 9 इंचेस की प्रोवाइड किए हैं, साथ ही साथ हमारी फाउंडेशन की हाइट भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे को यहाँ पे 5000 से 6000 के बीच में रेड ब्रिक्स लग सकती है, यानी लाल ईटे। तो जहाँ तक बता दूं दोस्तों, रेड ब्रिक्स का रेट 6 रुपीज से 7 रुपीज पर ब्रिक के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे आपको टोटल 36,000 की ब्रिक लगेंगी दोस्तों, सेम एज इट इज बड़ी सिटीज में भी यही अमाउंट आएगा। वही बात अगर लेबर रेट की करें हम, तो लेबर रेट का टोटल क्वांटिटी आ रहा है दोस्तों 250 स्क्वायर फीट। मैंने यहाँ पे इनर डिस्टेंस बताया था दो रूम का, यानी इनर डिस्टेंस 10x10 फीट का है, लेकिन अगर टोटल एरिया देखे, आउटर डिस्टेंस देखे, तो ये करीब 21 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 6 इंच के करीब आता है, तो इसका एरिया करीब 250 स्क्वायर फीट के आसपास आएगा दोस्तों। तो इसका जो अमाउंट आएगा 50,000 अगर आप छोटे शहर से हैं, तो अगर आप बड़े शहर से हैं तो 400 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वहाँ पर रेट होता है, तो यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपए पे करना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिश कोटा स्टोन। यहाँ पे दोस्तों हमने फ्लोर टाइल्स नहीं प्रोवाइड किए, किसी भी तरह की वेट्रीफाइड टाइल्स प्रोवाइड नहीं किए, यहाँ पे जो हमने प्रोवाइड किया है वो है कोटा स्टोन। कोटा स्टोन का थिकनेस 25 से 30 mm का होता है दोस्तों, तो इसका भी रेट थिकनेस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे हमने 40 रुपये स्क्वायर फीट का कोटा स्टोन प्रोवाइड किया है दोस्तों, जिसका अमाउंट आ रहा है 8,000 रुपए, सेम एज इट इज इधर भी 8,000 आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चेकर की। चेकर यानी हम यहाँ पे जो यहाँ दिख रहा है आपको, वो स्टेयरकेस के ऊपर हम यहाँ पे चेकर प्रोवाइड करेंगे, तो उसका जो कॉस्ट आएगा करीब आपको 3,500 रुपये आएगा दोस्तों। वही अगर व्हील वेंटिलेशन की बात करें, तो हम 1.5 बाय 2 फीट का वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, तो उसका कॉस्ट करीब 600 रुपये के पास आएगा दोस्तों। वही अगर हम वॉल पेंट की बात करें, यहाँ पे एक्सटीरियर इंटीरियर वॉल पेंट आएगा, साथ ही साथ वॉल पुट्टी आएंगी, तो छोटे शहर से हो तो 10,000 रुपये तक का आएगा कॉस्ट, और बड़े शहर से हो 15,000 तक आएगा। पेंटिंग दोस्तों ये है एक इंटीरियर का आइटम है, इंटीरियर एक्सटीरियर का आइटम है, तो ये खास करके डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे कि वो कैसे पेंट प्रोवाइड करना चाहते हो। पेंट अगर हम करें तो 5,000 में भी पेंटिंग होती है, वही अगर हम पेंट अच्छा करें तो 10-15,000 तक भी पेंटिंग होती है, तो ध्यान रखिए इस बात का। वही इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का टोटल कॉस्ट आएगा दोस्तों करीबन 10-12,000 रुपये, वही अगर बड़ी सिटी से है तो 16,000 के आसपास इसका कॉस्ट आएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे रोलिंग शटर के बारे में। रोलिंग शटर काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम है शॉप की दृष्टि से, अगर हम देखें इसे तो इस तरह से हम रोलिंग शटर प्रोवाइड करेंगे, तो इसका जो कॉस्ट आएगा दोस्तों, इसका कॉस्ट करीबन आपको 30,000 रुपये आएगा दो रोलिंग शटर का। एक रोलिंग शटर करीबन आपको 15,000 रुपये का पड़ेगा दोस्तों। इसका जो रेट होता है दोस्तों रोलिंग शटर का, वो 150 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसा रोलिंग शटर प्रोवाइड करना चाहते हो। हमने यहाँ पे 200 रुपये स्क्वायर फीट का रोलिंग शटर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि 10x7 फीट का एक रोलिंग शटर है, जिसका एक रोलिंग शटर का एरिया आ रहा है 70 स्क्वायर फीट, तो दो रोलिंग शटर का एरिया आएगा 140 स्क्वायर फीट। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल कॉस्ट देखें छोटी सिटीज के हिसाब से, तो ओवरऑल कॉस्ट आपको 251,600 रुपये पड़ेंगी दोस्तों। वही अगर आप बड़ी सिटी से हैं, तो उसकी ओवरऑल कॉस्ट पड़ेंगी आपको 335,600 रुपये। अगर हम पर स्क्वायर फीट में एरिया निकालते हैं दोस्तों, तो करीब 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यह बिल्डिंग आपको पड़ेंगी छोटे शहर में। वही अगर आप बड़े शहर से, यानी दिल्ली मुंबई बेंगलोर कोलकाता जो भी मेट्रो सिटीज है वहाँ से बिलोंग करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको पड़ेंगी 1,400 रुपये पर स्क्वायर फीट में यह बिल्डिंग, यानी दो शॉप बनाने में आपको इतना खर्च आएगा दोस्तों। तो कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।